जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे तो फटाफट हम क्या करेंगे, 140 का सबसे पहले हम हल करना सीखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 140 का हल करेंगे तो लिख देंगे हल। ठीक है, और 140 हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 35 हो जाएगा। फिर आपका 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 7 बार में 1 7 1 7 हो गया है कि नहीं। इस तरह से आपको करना है। अब इसका एलसीएम लिख लीजिए। इसलिए 140 जो आया इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना आ गया दोस्तों, तो ये देखना है आपको। तो देखिए कितना आ गया भाई, तो दो गो है और फिर 1 5 है, फिर 1 7 है, लिख दिए हम। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 2 कितना बार आया भाई, 1 2, तो 2 बार लिख देना है। 5 कितना बार है, सिर्फ 1 बार है तो 5 एक बार लिख दिए, और 7 एक बार है तो 7 एक बार लिख दिए। यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम का सोल्व करेंगे। तो देखिए लिख दिए हल। ठीक है, यहाँ पे 156 है तो 156 हम लिख दिए। फिर 2 से काटेंगे भाई तो 7 2 14 हो गया, और फिर 8 2 16 हो गया। फिर इसको 2 से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 9 2 18। फिर 3 से काटेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 1 13 हो गया। अब इसका हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाएंगे तो लिख देंगे, इसलिए कितना है भाई, 156 बराबर कितना आया, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कै गो 2 है, 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, या 3 कै गो है, 1 गो 3 है, और 13 कै गो है, सिर्फ 1 है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो तीसरा सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे हल। ठीक है, और हल लिख कर कितना लिखा है भाई, 38 25। 38 25 को तोड़ेंगे हम, पहले 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे 2 3 21 हो गया, 3 7 21। फिर 2 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 4 12, 25 3 75। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि हाँ 5 से काटेंगे इसको, कितना से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 25। अब 17 5 85 हो जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, 17 1 17 हो गया। अब इसका हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे इसलिए 38 225 बराबर कितना आया, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यही ना आया है। इस सबको लिख दिए, 3 कै गो है, 2 बार है, 5 कै बार है, 2 बार है, और 17 सिर्फ 1 बार है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। तो 5005 का हम पहले सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे लिखेंगे 5005 हल। तो 5005 को पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो 1001। ठीक है, ये 5005 इतना बार में कट गया। ठीक है, फिर इसको हम 7 से काट सकते हैं, कितना से, 7 से। तो चलिए 7 1 7, 3 बच गया, 30 7 4 28, फिर 2 बच गया, 21 7 3 21। फिर कितना से काटेंगे हम, तो इसके बाद 11 से काटेंगे, 11 1 11, 11 3 33। फिर कितना से, 13 से काटेंगे, हो गया। तो यानी कितना कितना हो गया जी दोस्तों, 5 7 11 13। अब इसको को हमें लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, तो कैसे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कितना आया भाई, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया, तो देखिए 5 × 7 × 11 × 13। अब ये तो इसका सिर्फ है, क्या है, सब एक ही बार है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कितना नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। तो 5 नंबर हल लिख देंगे, हल करके करना है मेरे को हल, कितना है, 74 29। तो इसको हम सबसे पहले 74 29 को कितना से काटेंगे,
तो 17 से काटेंगे, 17 से, ठीक है। तो 17 से इसको हम भाग लगाएंगे, ठीक है, ना बुझाए तो बगल में हम 17 से इसको भाग दे देंगे ऐसे। देखिए कैसे भाग दे देंगे, कितना है 74 29, तो कितना और मिल जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 लिख के घटाएंगे हम, तो 8 6 14 कितना हो गया 6, यहाँ पे फिर 2 आया 62 आया, फिर 17 से काटेंगे, 17 3 51, 17 3 51 लिख देंगे हम, ठीक है, घटाएंगे 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर वहाँ से फिर 17 17 19 से होता है ना, तो बस कितना आ गया भाई, तो आपका आ गया इतना आ गया, तो लिख दीजिए 437। फिर आप 17 से काट लिए, फिर ये जानते हैं कितना से कटेगा, 19 से कटेगा, कितना से 19 से, ठीक है, तो 19 से काटिएगा तो 19 दुना 38 हो गया, बच गया कितना भाई 5, 19 3 57 23, तो 23 बार में कट जाएगा। अब इसको आप 23 एकम 23 लिख दीजिए, हो गया। अब इसलिए इसका आप निकाल लिख दीजिएगा कितना भाई 74 29 का आपका कितना कितना आया, तो एक आया 17 × 19 × कितना आया 23 23 का राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।